दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भंवसर। तो मेरे पास ये ब्रास आयरन है दोस्तों, और आप लोगों को पता है कि ये नई मशीनें जब इंस्टॉल होनी थी तो मुझे पूरा शॉप खाली करना पड़ा था दोस्तों। तो शॉप खाली करते करते यहाँ पे जो मेरा पुराना जो पत्थर था यहाँ पे जो रखा हुआ, तो वो पत्थर टूट गया, तो मैं इसके ऊपर रखने लगा दोस्तों प्रेस। बट ये थोड़ा सा अनइवन है और इसमें आयरन को भी थोड़ा सा ख़राब करता है ये। तो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे चंद्रकांत पवार जी, तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसे रखते हो तो आपका जो इस तरह से घिस घिस के जो ब्रास वाला ये जो सरफेस है ना, तो ये ख़राब हो जाएगा। पुराना पत्थर था तो चिकना हो गया था, बट ये अभी थोड़ा सा कुरदुरा है, तो ये आपका आयरन का जो बेस है ना वो कुरदुरा कर देगा। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया सजेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई भी कपड़ा वगैरह रख दीजिए, जो टेबल का ही पड़ा रहता है ना कपड़ा, तो वही मेरे पास पुराना था तो मैंने ये रख दिया। अभी काफ़ी इजी होता है दोस्तों आयरन यहाँ पे रखना, तो काफ़ी इजी होता है आयरन रखना, और आयरन का जो ब्रास जो है ना वो भी इससे ख़राब नहीं होगा अभी, और बिल्कुल ही बेस्ट मुझे आइडिया लगा ये। और कल मैंने आयरन की थी इसके ऊपर, तो काफ़ी बेस्ट है। लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही उनको सिखाता हूँ, उनसे भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। चंद्रकांत पवार जी धन्यवाद, ये काफ़ी बेस्ट आइडिया है आपने जो मुझे दिया है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, और आप किसके ऊपर आयरन रखते हैं ना ये भी मेरे साथ में शेयर कीजिए दोस्तों। तो ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और धन्यवाद चंद्रकांत पवार जी। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।